तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर पलटवार करते हुए कहा कि नागरिकता कोई गिफ्ट नहीं है जिसे दिया या वापस लिया जा सके। दरअसल अरुण जेटली ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी असम के एनआरसी के मुद्दे पर देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने जेटली की आलोचना करते हुए कहा कि संप्रभुता बेशक भारत की आत्मा है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता देश का आंतरिक विवेक है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये बिना एक दूसरा अर्थहीन है। नागरिकता मूलभूत अधिकार है, कोई गिफ्ट या खिलौना नहीं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के विभाजनकारी खेल नहीं खेलने को भी कहा। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, एनआरसी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। विभाजनकारी खेल न खेले बीजेपी, डेरके ने बोला है ऐसे, और नागरिकता मूलभूत अधिकार है, कोई खिलौना नहीं। तो एनआरसी के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है।